इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार सरकार की जो मंत्रालय है उसमें उलटफेर हुई है। जो पहले शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनको अब गन्ना मंत्रालय संभालना पड़ेगा। जो पहले भूमि सुधार मंत्री थे उन्हें अब शिक्षा मंत्री का पद संभालना होगा, और जो ललित यादव गन्ना मंत्री थे उनको अब भूमि सुधार मंत्री का पद संभालना होगा। आखिर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या कारण है कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना ज्यादा उलटफेर कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा परिचय, नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो जारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लोग कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो नीतीश कुमार के जो बेहद प्रिय लोग हैं, वे सभी कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार लगातार एक से बड़ा एक काम कर रही है, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि कहीं पर भी तेजस्वी यादव की तस्वीर को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए पटना का गांधी मैदान, जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो वहां पर भी तेजस्वी यादव की तस्वीर को गायब कर दिया गया था। और उसके बाद में आज का पेपर आप उठा करके देखिए, विज्ञापन पिछले दो तीन दिनों का देखिए, तो जिस विभाग की बातें कीजिएगा, खास करके हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग का विज्ञापन आज निकाला गया था, पेपर में था, और पेपर में कहीं भी तेजस्वी यादव की तस्वीर को नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहने की बातें हैं कि तेजस्वी यादव भले स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का जो विज्ञापन है वो तेजस्वी यादव वहां पे तस्वीर ना होना, तेजस्वी यादव की तस्वीर ना होने पर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से पूछा कि आखिर में इसका क्या कारण है कि तेजस्वी यादव का तस्वीर नहीं है, तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रपति है उनके तस्वीर के अलावा किसी का तस्वीर नहीं होगा। बात सही है नहीं रहे, लेकिन बात यह भी है कि आखिर में उनका नाम तो रहना चाहिए, नाम भी गायब कर दिया जा रहा है, ये सोचने की बात है। और उसके बाद में शिक्षा मंत्री को लेकर के, आलोक मेहता को लेकर के और ललित यादव को लेकर के क्यों इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, ये लोगों के ऊपर में आरोप लगते रहा है, शिक्षा मंत्री के ऊपर में और आलोक मेहता के ऊपर में खास करके आरोप लगते रहा है कि ये लोग बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। ये कहीं भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो वहां पर रामचरितमानस की बातें करते थे, और उसके साथ साथ आप देखिए तो जो जेन्युइन मुद्दा है उस पे बातें ये लोग नहीं करते थे, ऐसा जो लोग हैं उन लोगों का आरोप है। तो इसी पर ये कहना है कि आखिर में शिक्षा मंत्री से, आलोक मेहता से और ललित यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या दिक्कत थी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में आपको तैयारी करना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, आप खुद संयोजक के तौर पर थे, पूरे भारत में घूम रहे थे और अचानक से रुक गए, और रुकने के बाद में अभी के समय में जब चुनाव पीक पर है, जब सारा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीति कर रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वो अपना वोट लेना चाह रहा है, वैसे समय में आपको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो आप इस समय में मंत्रालय बदल रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। इसके पीछे का वजह आप किसी भी चैनल को उठा करके देखिए, इसके पीछे का वजह आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं वो खुद वही जानते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, अचानक अलर्ट कर देते हैं कि हमारे सारे विधायक फलाने तारीख तक पटना में रहेंगे, और उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, फिर लालू यादव उनके पास जाएंगे, तेजस्वी यादव उनके पास जाएंगे और फिर भी बात नहीं माना जाएगा, और अचानक से ये जजमेंट कर देना है कि हाँ हम मंत्रालय को बदलाव चाहते हैं और जो वो चाहेंगे वही होगा। तो आज ये बिल्कुल सही खबर है जो आप लोग के फेसबुक पर देखने को मिल रहा होगा या सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार के मंत्रालय में तबादला हुआ है, बदली हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार सरकार में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव थे ये मधेपुरा से हैं, और मधेपुरा से ये थे तो ये शिक्षा मंत्री के पद संभाल रहे थे पिछले जब से सरकार बनी है तब से, लेकिन अचानक से इन्हें गन्ना मंत्री बना दिया जाता है। अब बिहार में ये गन्ना विभाग को ये देखेंगे। जो ललित यादव थे जो दरभंगा से आते हैं, ललित यादव पहले गन्ना मंत्री थे, अब इनको भूमि सुधार मंत्री बना दिया गया है यानी आलोक मेहता के पद पर, और जो आलोक मेहता है जो समस्तीपुर उजियारपुर से है, अब उनको संभालना होगा जो पद है वो शिक्षा मंत्री का पद संभालना होगा। यानी के पाठक का जो विवाद था पिछले दिनों, के पाठक की अर्जी स्वीकार की हुई कि के पाठक इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक खबर यह भी आया कि ये इस्तीफा एक प्रोसेस है 6 दिनों के लिए, जब छुट्टी में कोई बड़े पदाधिकारी छुट्टी में जाते हैं तो उन्हें अपना पद इस्तीफा देकर के दूसरे किसी को दे करके जाना होता है, तो वो बातें थी। और उसके बाद में जब के पाठक पुनः वापसी हुए
तो हमको लगता है इसके पीछे का कारण यही होगा कि के पाठक ने ये बातें कहा होगा कि आप इस मंत्री साहब को हटाइएगा, जब तक नहीं तब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे वो स्वीकार किए तो शिक्षा मंत्री का तबादला हुआ, आलोक मेहता उस पद पर आए शिक्षा मंत्री के तौर पर, और उसके बाद में इनको ललित यादव के जगह पर भेजा गया और ललित यादव को आलोक मेहता के जगह पर भेजा गया। तो ये सब सोचने वाली देखने वाली बात है कि आखिर में नीतीश कुमार ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या ये सच में जो लालू यादव पहले बातें कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है वो देखने को मिल रहा है, कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहते हैं। क्योंकि इधर देखा जाए तो जीतनराम मांझी भी एक बातें कह रहे हैं कि हम अपने सारे विधायकों को ये बातें कह रहे हैं कि 25 तारीख तक वो लोग पटना में रहें। तो ये इशारा किधर जा रहा है आप लोग भी जानिए, और आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या नीतीश कुमार सच में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके सरकार बनाने वाले हैं, क्या वो मोदी लहर को नहीं तोड़ पाएंगे, जो मोदी लहर आज के समय में चल रहा है उसको वो उसके सामने में ये झुक जाएंगे। ये सारी बातें हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।